सो गाइस कल है 29 अक्टूबर और कल वाले दिन एक काफी कमाल का इवेंट आने वाला है अपने गेम के अंदर। जी हाँ गाइस, कल का इवेंट कंफर्म हो चुका है। तो कल कौन सा इवेंट आने वाला है, क्या रिवॉर्ड है, चलो वो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। एड्स के अलावा आप लोग को मैंने बताया था भुया का इवेंट स्टार्ट होने वाला है, तो उसका एक न्यू इवेंट कंफर्म हो चुका है, वो भी मेरे पास निकल कर आ चुका है। तो उसमें क्या रिवॉर्ड आप लोग को देखने को मिलेगा वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैंने आप लोग के कुछ कमेंट भी रीड कर रखी है, उसका रिप्लाई भी करेंगे। तो आज की ये टू नाइट वीडियो फिर से बहुत ज्यादा स्पेशल है, वीडियो के एंड तक बने रहो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई लोग, सबसे पहले तो यहाँ पर बात करेंगे टू नाइट अपडेट इवेंट के बारे में, मतलब कि कल है 29 अक्टूबर, तो कल कौन सा इवेंट आने वाला है अपने गेम के अंदर। तो कल वाले दिन गाइस आने वाला है अपने गेम के अंदर एक न्यू फेरेड व्हील, जिसके अंदर भाई ये वाला एनिमेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस, ये वही एनिमेशन है जो कि लकी ड्रॉ के अंदर बिल्कुल फ्री में आप लोग को टोकन से और टिकट से मिल रहा था, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना लक निकाला, 1000 लोगों में से लकी विनर जो लोग वहाँ पर आए हैं टिकट से, उन लोगों ने वो एनिमेशन फ्री ले भी लिया वहाँ पर। लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे जिनको ये एनिमेशन वहाँ पर फ्री नहीं मिला था, तो अब ये वाला एनिमेशन यहाँ पर फेरेड व्हील के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा कल वाले दिन। और अभी देखो, मैं इसको बिल्कुल 100% कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, ये जो मैं फेरेड व्हील आप लोग को दिखा रहा हूँ उसके अंदर जो एनिमेशन है ये 100% कंफर्म नहीं है कि कल ये आएगा कि नहीं आएगा। इसकी मुझे वीडियो मिली और इसकी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि 29 अक्टूबर को ये फेरेड व्हील आने वाला है, इसकी इंफॉर्मेशन आ रही निकल कर, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल 100% कंफर्म नहीं है, कल ये इवेंट आ भी सकता है, कल ये इवेंट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कल ये फेरेड व्हील में आएगा इसकी एक इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है और ये एनिमेशन आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो कुछ था वो मैंने आपको बता दिया, बाकी देखते हैं कल क्या होता है। और इसके अलावा हाँ, यहाँ पर जो भुया डे का इवेंट मैंने आपको बोला था कि दिवाली इवेंट चल रहा है, इसके बाद में जब ये दिवाली इवेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम लोग का बहुत बड़ा सा भुया डे का इवेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। भुया डे के मैंने बहुत सारे रिवॉर्ड भी आप लोग को दिखाए थे, तो वहीं पर भुया के थीम्स के ऊपर एक इवेंट और कन्फर्म हो चुका है, उसकी वीडियो भी मेरे पास निकल कर आ चुकी है, जो कि है भुया डे का स्पेशल ग्लोबल रॉयल स्पेशल इवेंट। जी हाँ गाइस, ये है हम लोग का ग्लू वर्ल्ड का स्पेशल रॉयल इवेंट जो कि भुया के थीम्स के ऊपर है। इसके अंदर ग्लू वर्ल्ड की स्किन आप लोग को 3 से 4 ग्लू वर्ल्ड की स्किन देखने को मिलेंगी, जो कि न्यू भुया की ग्लू वर्ल्ड की स्किन होंगी एंड ओल्ड वाली जो भुया के ग्लू वर्ल्ड की स्किन है वो भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो 3 से 4 ग्लू वर्ल्ड की स्किन होंगी भुया की थीम्स के ऊपर और ये स्पेशल रॉयल इवेंट देख लो। और ये स्पेशल जो ग्लू वर्ल्ड का रॉयल इवेंट मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ ये अभी नहीं आएगा, ये आएगा जब हम लोग का भुया का इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। और भुया का इवेंट बस 5 से 6 दिन लगेंगे, जैसे हम लोग की दिवाली निपटेगी, दिवाली खत्म होगी वैसे ही हम लोग एकदम भुया का इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये इवेंट आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो, ये भी इवेंट मैंने आप लोग को दिखा दिया है, बता दिया है। और इसके अलावा लास्ट में मैंने आप लोग के कुछ कमेंट रीड कर रखी है, उसका रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली कमेंट निकल कर आ रही है वो आ रही है शैडो की तरफ से, ये कह रहे हैं एफ ए भाई आपका फेवरेट बंडल क्या है। देखो, मेरा तो वैसे कोई फेवरेट बंडल नहीं है, मैं कोई भी बंडल लगा लेता हूँ, मेरे को सारे बंडल अच्छे लगते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास ये वाला बंडल लगा रखा है तो ये भी मेरे को अच्छा लगता है थोड़ा बहुत, मेरा कोई फेवरेट नहीं है। लेकिन हाँ, एक बंडल है जो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, वो है रेड कलर का बंडल, जो कि सिंपल सा बंडल है लेकिन काफ़ी प्यारा लगता है। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत पसंद था, जब इसका काफ़ी ज़्यादा क्रेज था रेड क्रिमिनल बंडल का, किसी पास होता ही नहीं था भाई, बहुत कम यूट्यूबर्स थे जिनके पास में रेड क्रिमिनल बंडल था और किसी पास नहीं होता था भाई। उस टाइम मेरा काफ़ी फेवरेट बंडल रहा ये, और मेरे पास अभी तक नहीं है भाई, बताओ अभी तक, इतना समझ रहा हूँ अभी तक ले ही नहीं पाया मैं रेड क्रिमिनल बंडल। इन फ्यूचर अगर कुछ मौका मिलेगा, अगर अपने गेम के अंदर आएगा तो मैं ज़रूर से निकालूंगा। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी कॉमेंट निकल कर आ रही है वो आ रही है डेविड गेमर की तरफ से, ये कह रहे हैं मेरे पास 4 मैजिक क्यूब है भाई। ओके, 4 मैजिक क्यूब भाई आपके पास आए, और अभी मैजिक क्यूब 31 अक्टूबर को फ्री मिलने वाला है, तो आपके पास हो जाएंगे 5 मैजिक क्यूब डेविड भाई। और मेरे पास मैजिक क्यूब है, 2 मैजिक क्यूब रखा है मेरी आईडी पे, और अभी दिवाली पर 1 मैजिक क्यूब फ्री मिलेगा, मेरे पास हो जाएगा 3 मैजिक क्यूब। तो गाइस आप लोग भी बताओ, गाइस आप लोगों के पास कितना कितना मैजिक क्यूब है आपकी आईडी में, और जो फ्री मिलेगा उसको मिलाकर कितना मैजिक क्यूब आपके पास हो जाएगा। सारे लोग अपने अपने मैजिक क्यूब कमेंट करो, देखते हैं भाई किसके पास सबसे ज्यादा मैजिक क्यूब है, ठीक है, सारे लोग कमेंट करो। इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरी कमेंट निकल कर आ रही है गाइस, ये आ रही है आफरीदी की तरफ से, ये कह रहा है आप कहाँ से हो एफ ए भाई। देखो ब्रो, मेरा ये एक ब्लॉग है, ठीक है, उस ब्लॉग में मैंने सब कुछ बता रखा है कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, मेरा सिटी कौन सी है, मेरा घर कहाँ पर है और मेरा घर कैसा है, मेरा नाम क्या है, मैं हिंदू मुस्लिम, मैंने अपना सब कुछ बता रखा है अपने बारे में। तो वो ब्लॉग अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर आप लोग को मेरा दिखाई दे रहा होगा ब्लॉग, माई फर्स्ट ब्लॉग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है जी, मेरा माई फर्स्ट ब्लॉग है, मैंने सब कुछ बता रखा अपने बारे में, तो जाकर ये ब्लॉग देख लो। जिसको भी मेरे बारे में कुछ जानना है तो जाकर ये वाला ब्लॉग देख लो। बाकी ये वाली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।